आप अपने कुत्ते के साथ जंगल की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं। अचानक आपके कुत्ते को कुछ अजीब महसूस होता है और वो झाड़ियों की तरफ देखकर भौंकने लगता है। आपको सिर्फ एक थूथन और दो बड़े दांत नजर आ रहे हैं। आपके कुत्ते का भौंकना जारी है, झाड़ियां हिलती हैं और एक बड़ा सा जानवर आपकी तरफ बढ़ता है। अब आप क्या करेंगे, आइए देखें एक जंगली सुअर के हमले से कैसे जिंदा बचे। जंगली सुअर देखने में कुछ हद तक पालतू सुअरों जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पास लंबी टांगे और गहरे रंग के बाल होते हैं और इनमें से कुछ का वजन 136 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हाल में ये शहरों में भी दाखिल होने लगे हैं और खाने की तलाश में शहरी इलाकों में गंदगी फैलाने लगे हैं। और अगर आप इनके खाने के रास्ते में आते हैं तो ये आपके पीछे भी आ सकते हैं। जंगली सुअर कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, हर साल ये कितने लोगों की जान लेते हैं और क्यों ये जरूरी है कि आप हमले के दौरान अपने पैरों पर खड़े रहें। एक जंगली सुअर की डाइट लगभग 90% वेजिटेरियन और 10% जानवरों से जुड़ी होती है, और हालांकि ये होने के चांसेस बहुत कम हैं, पर अगर ये बहुत भूखे हो और इनके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो ये एक इंसान को भी खा सकते हैं। हालांकि ये शायद ही कभी इंसानों पर हमला करते होंगे, पर ये हर साल 7 लोगों की जान लेते हैं। आइए देखें एक जंगली सुअर के हमले से कैसे जिंदा बचें। स्टेप 1, अपने पालतू जानवरों को कंट्रोल करें। अगर आपको अपने कुत्तों को झाड़ी वाले बाहरी इलाकों में टहलाना पसंद है तो सावधान रहें। भौंकने से एक जंगली सुअर को गुस्सा आ सकता है और वो हमला कर सकता है। 2020 में अमेरिका के मॉन्टगोमरी टेक्सास में एक आदमी की नींद सुबह 4 बजे खुली क्योंकि उनके 2 कुत्ते भौंक रहे थे। जब वो शख्स ये देखने गया कि वहां क्या चल रहा था तो उसने एक जंगली सुअर को देखा। जब वो सुअर उन कुत्तों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तब एक दिखाई ना देने वाली फेंस से उनका बचाव हो रहा था। फिर इस जानवर ने उस शख्स का पीछा किया, जिसके बाद वो शख्स अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। सुअर को लगा कि वो अंदर चला गया है तो वो पीछे के दरवाजे पर धक्का देने लगा और दरवाजे के कब्जे टूट गए। उस आदमी ने अपने तीर कमान से सुअर के दिल पर निशाना साधा था। स्टेप 2, भागे। अगर आप एक जंगली सुअर को दूर से अपनी ओर आते देखते हैं तो कोशिश करें कि उसे परेशान ना करें और दूर भाग जाएं। अगर ये सुअर थोड़ी ठीक ठाक दूरी पर हो तो धीरे धीरे पीछे हटें और अचानक कोई भी हरकत ना करें। लेकिन अगर आपने पहले ही सुअर को गुस्सा दिला दिया है और वो पास है तो भागना कारगर नहीं होगा। कुछ सुअर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, मतलब उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज। स्टेप 3, ऊंची जगह पर चढ़ जाएं। किसी पेड़ या बड़ी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करें। जंगली सुअर 1.8 मीटर ऊंची दीवारों वाले ट्रैप्स को भी चढ़कर पार कर चुके हैं, तो कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने से आप सुरक्षित रह सकते हैं। फिर स्थिर रहने की कोशिश करें और सुअर के दूर जाने का इंतजार करें। चुपचाप नीचे उतरें और हो सके तो सुअर से उल्टी दिशा में जाएं। स्टेप 4, मजबूती से लड़ें। अगर आप भाग नहीं सकते और लड़ना ही इकलौता ऑप्शन है तो वही खड़े रहें और अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ें और हाथ में आने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई बंदूक या हथियार है तो उससे सुअर को मारने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको दूसरा मौका नहीं देगा। अगर आपके पास कोई हथियार ना हो तो जो हाथ में आए उठा लें, जैसे कि पत्थर या पेड़ की डाल या आपका कैंपिंग का सामान। स्टेप 5, गिरे नहीं। ये जरूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें। अगर आप गिरते हैं तो सुअर अपने दांतों से आपके पेट, हाथ, सर या गर्दन पर वार कर सकता है। अगर ये आपकी ओर आता है तो इसके पैने बड़े दांतों से दूर हटने की कोशिश करें। स्टेप 6, वहां से तुरंत निकल जाएं। जंगली सुअरों के हमले शायद सिर्फ 1 मिनट जितने ही लंबे हो, तो जब तक ये हमला रोक ना दे लड़ते रहें। अगर आप किसी तरह से उसे चोट पहुंचा देते हैं तो दोबारा हमला ना करें।
जब उसे महसूस होगा कि उसकी जान खतरे में है तो वो और मजबूती से लड़ सकता है, और अगर वो पीछे हटता है तो ये देखने के लिए ना रुके कि वो वापस आ रहा है या नहीं, तुरंत उस जगह से निकल जाएं। स्टेप 7, फर्स्ट एड का इंतजाम करें। जंगली सुअर आपको कुचल सकते हैं, जमीन पर गिरा सकते हैं, काट सकते हैं, अपने बड़े दांतों से मार सकते हैं और आपको ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस ई जैसी कई बीमारियां दे सकते हैं, तो हर कीमत पर सामना होने से बचें। डॉक्टर की सलाह लेने के लिए एक छोटी सी खरोंच भी काफी है, तो आप जंगली सुअर के हमले से बच गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक जीव है जो जंगली सुअरों को भी नाश्ते में खाता है? क्या आप एक कोमोडो ड्रैगन के हमले से जिंदा बच सकते हैं? जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचें।